गाइस शाओमी ने अभी 80 वाट का वायरलेस चार्जर लॉन्च किया है, और मतलब 80 वाट आपकी 4000 एमएएच की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगी। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ये वायरलेस चार्जिंग आखिर वर्क कैसे करती है, और ये फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग है, तो इससे पहले कौन सी जो वायरलेस चार्जिंग थी वो इससे फास्टेस्ट थी, और एप्पल कितनी फास्टेस्ट वाली यूज़ करता है, या फिर वन प्लस इनकी कितनी फास्टेस्ट है, ओप्पो कितनी है, रियलमी कितनी है, ये सब सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले वायरलेस चार्जिंग की। जैसे कि नाम से क्लियर है कि वायरलेस, बिना तारों की, बिना वायर की चार्जिंग। तो यहाँ पर आपको केबल अटैच नहीं करना पड़ता अपने मोबाइल से, और आपका जो मोबाइल है वो चार्ज हो जाता है। असल में जो ये वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको हम वायरलेस चार्जिंग ना बोल करके इंडक्टिव चार्जिंग बोले तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ये एक पैड के थ्रू चार्ज होती है, और पैड में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और आप सब जानते हैं, नहीं भी जानते तो आप जान लीजिएगा कि फिजिक्स का रूल है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो उनका जो पैड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से। अब उसके अंदर एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो एसी करंट अपना एम्पलीट्यूड टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होता रहता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी जगह पर, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो जो ये सेकंड वाली कॉइल होती है आपके फ़ोन की, आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे वो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे वो एंटर करती है, तो वहाँ पर जो उसके अंदर कॉइल लगी होती है वो अटैच हो जाती है उससे, और वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेती है मैग्नेटिक फील्ड को, और अपने अंदर ही एक एसी करंट को रिफॉर्म कर लेती है, एसी करंट को बना लेती है। फिर उसी एसी करंट को जो रेक्टिफायर के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है डीसी करंट में, जिससे आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है आपकी वायरलेस चार्जिंग की, जो कि पैड और आपका मोबाइल यानी कि पोर्टेबल डिवाइस जो भी है उसके अंदर दोनों में ही कॉइल लगी होती है, जिसके जरिए ये वायरलेस जो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो कर पाते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो इसे हम एक तरह से इंडक्टिव चार्जिंग भी बोल सकते हैं। ऐसे इंडक्टिव चार्जिंग इसका ओरिजिनल नेम है, साइंटिफिक नेम। ये वायरलेस चार्जिंग जो है आमतौर पर आपकी और हमारी भाषा के लिए सिंपल करने के लिए बना दिया गया, तो कि ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं चल पाते, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनता है वो सिर्फ और सिर्फ लगभग ये QI एक टेक्नोलॉजी है, जिसको ची बोला जाता है, CHEE QI इसको बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग जो है वो क्यू है, बट चाइनीज़ वर्ड है, तो इसीलिए इसको ची बोला जाता है, और वहाँ पर चाइना में इसको ची बोलते हैं। उसके स्टैंडर्ड के थ्रू ही वहाँ पर पैड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। 2010 में इसको फाउंड किया गया था, ये जो हमारी ची टेक्नोलॉजी है इसको फाउंड किया गया था, और उसके सबसे ही ये चली आ रही है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से, इस स्टैंडर्ड की मदद से आप अपने 4 सेंटीमीटर तक अपने मोबाइल को रख सकते हैं, और आप उससे अपना मोबाइल चार्ज कर पाओगे। यहाँ पर उसको इतने फील्ड में रखना पड़ता है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी में थोड़े से इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं टाइम टू टाइम, हालांकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। 1894 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा था, और तब इतना ये पॉपुलर नहीं था। उसके बाद से फिर उसके बाद 1977 में एक पेटेंट दिया गया एक ऐसे चार्जर का जो हेडलैम्प्स हैं उनको चार्ज कर पाएगा वायरलेसली, बट उसके बाद भी उसका कोई पता लगा नहीं, क्योंकि सिर्फ पेटेंट था, उसका कहीं यूज़ नहीं हुआ। 1990 में आकर के इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, वो भी टूथब्रश को चार्ज करने के लिए, जहाँ पर वायरलेस टूथब्रश आपके वायरलेस चार्जिंग होती थी टूथब्रश के अंदर, तो उसको चार्ज करने के लिए इसका यूज़ किया गया, बट वो भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। और अब जाकर के स्मार्टफोन्स में आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा यूज़ इसका हो पा रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो वायर्ड वगैरह है और पोर्ट्स वगैरह हैं सब निकल जाएंगे, और आपका जो मोबाइल है बिल्कुल बिना किसी पोर्ट के होने वाला है। 2009 में ये टेक्नोलॉजी पहली बार मोबाइल में यूज़ की गई, जो पॉम नाम की कंपनी है, PALM पॉम नाम की कंपनी है, उसने मैंने प्री स्मार्टफोन लॉन्च किया था, उसके अंदर उन्होंने अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी को दिया था। तो वो एक पहला फ़ोन था जो वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में आया था 2009 में। उसके बाद सन 2012 में नोकिया के ल्यूमिया 920 और 820 आए, जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आए थे। फिर 2013 में जाकर के अपना सैमसंग ने S3 लॉन्च किया, जो वायरलेस पूरी चार्जिंग किट के साथ में लॉन्च हुआ था। ऐसे ही हल्के हल्के मामला बढ़ता रहा सैमसंग, एप्पल, और फिर सब लोग यूज़ करते रहे। और एप्पल ने फर्स्ट टाइम अपना स्मार्ट वॉच में यूज़ किया था ये 2014 में। उसके बाद इन्होंने अपना एप्पल का जो आईफोन 8 था उसमें यूज़ किया फर्स्ट टाइम इन्होंने स्मार्टफोन के अंदर। तो अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं, बट एप्पल के पास केवल 15 वाट के स्मार्टफोन के लिए चार्जिंग थी, वायरलेस चार्जिंग, और उसको अब टाइम टू टाइम इंक्रीज़ किया जा रहा है। और मैं बात करूँ उसके बाद एप्पल के बाद जो है एप्पल के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बात करते हैं चार्जिंग पावर की और चार्जिंग स्पीड की। तो 15 वाट का चार्जर, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग लॉन्च की थी एप्पल ने अपने स्मार्टफोन के अंदर। उसके बाद
इसको मीजू और ऑन द लेकर गया 27 वाट तक। फिर वन प्लस ने इसको 30 वाट तक लॉन्च किया और टैग किया कि भाई हम इस समय फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग वाले मोबाइल हम लेकर के आएंगे और हमारे पास इतना सपोर्ट है। उसके बाद 40 वाट तक पहुँचे हुआवे और ओप्पो, दोनों एक साथ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपना 40 वाट का लॉन्च कर दिया। फिर 50 वाट पर लेकर के आए MI और MI ने एक टैग अपने नाम किया कि हम हैं सबसे ज़्यादा तेज वायरलेस चार्जिंग वाले। फिर इसके मतलब ओप्पो से ये सहन नहीं हुआ, उन्होंने 65 वाट की वायरलेस चार्जिंग को लॉन्च कर दिया और अब MI ने फिर से 80 वाट की वायरलेस चार्जिंग को लॉन्च कर दिया। सोचो यार कि आपका 4000 mAh की बैटरी, आप सिर्फ चाय पी रहे हैं और चाय पीने में आप लगभग 5 से 6 मिनट लगाते हैं और 8 मिनट में आपका जो फ़ोन है वो 50% हो जाता है। दैट्स अ क्रेजी थिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ने वाली है और मे भी इसको शायद 100 वाट तक इसको ले जाने का पूरा प्रोग्राम है शाओमी का। तो 2021 के आसपास 100 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज मोबाइल 4000 mAh। सीरियसली बहुत ज़्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी होने वाली है। बाकी आप बताना क्या आपको लगता है कि हमें अब वायर की जो चार्जर वगैरह हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। मुझे तो लगता नहीं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर भी आपको शायद अंडर 30,000-20,000 के सेगमेंट में भी आपको ये वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताना क्या है आपके विचार, क्या है आपके ओपिनियन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।